हेलो फ्रेंड्स, आशा के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड से बना नाश्ता, जो कि इतनी टेस्टी है जो आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। इनको बनाने के लिए मुझे किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इनको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले ब्रेड, ये मैं 4 पीस ब्रेड ली हूँ, और थोड़ी सी चाहिए होगी ये दही, और हाफ कटोरी ये मैंने सूजी ले रखी हूँ, और ये थोड़ी सी गोभी है इसको मैंने कद्दूकस कर रखी हूँ, और ये 2 उबले हुए आलू इसको भी मैं कद्दूकस कर रखी हूँ, और ये हाफ साइज़ का एक प्याज है छोटा साइज़ का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेड है उसको मैं जार में, ग्राइंडर जार में तोड़ कर डाल लूँगी इस तरीके से। इसमें सारे पीसेज को छोटे छोटे पीस बना के इसमें मिक्सर जार में डाल दूंगी इसको, और इसके साथ ही इसमें मैं डालूंगी ये सूजी, और इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी ये दही, और इसी के साथ इसमें ये डाल दूंगी एक हरी मिर्च जिसको मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया है, और ये थोड़ी सी अदरक है ये इसमें डाल दूंगी, और इसी के साथ इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, और इसको अब चला लूंगी। इसका पेस्ट तैयार करना है। तो देखिए ये हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है, अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूंगी। अब मैं इसमें ये बारीक कटी हुई प्याज मिला लूंगी, और इसके साथ ही ये गोभी भी इसमें मिला लूंगी, और ये जो मैंने उबले हुए आलू को कद्दूकस के रखी हूँ इसको भी इसमें मैं मिला लूंगी। अब इसमें मैं मिलाऊंगी स्वाद के अनुसार नमक, अब इन सारे चीज़ों को हमें मिला लेना है अच्छे से। तो देखिए इसका बैटर थोड़ा सा मोटा है, इसमें हम थोड़ी सी पानी मिलाएंगे, थोड़ा हल्का पतला करना है इनको। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब ये हमारा डो तैयार हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने ये तवा रख दी हूँ, तवा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ी सी रिफाइंड लगा रही हूँ। अब इस बैटर को मैं इस तवे पे डालूँगी। इस तरीके से इसको बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना बहुत ही ज़्यादा मोटा करना है, थोड़ी मीडियम में हमें इसे फैलाना है, फ्लेम को मीडियम ही रखना है, धीमी आंच पे ही इसको सेके तो थोड़ा अच्छी और टेस्टी और क्रिस्पी बनती है ये। तो देखिए ये हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। इसे आप अब आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, हरी धनिया के साथ, हरी धनिया चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।